काफी चिल्ड आउट हो, यू कीप इट वेरी कैजुअल आई हैव सीन। मैं एक्चुअली मुझे थ्रेट लग रहा है कि अगले सीजन के लिए खतरों के खिलाड़ी आपको ना बुला ले होस्ट के लिए। वो स्टंट करते वक्त आप बाल बनाना, स्टंट करते करते बाल बनाना, पोगो पे कुछ होगा मैं कर सकता हूँ, पोगो पोगो पे खतरों के खिलाड़ी बच्चों के लिए। एनी क्वेश्चन गाइज? पर्सनल लाइफ या फिल्म के हिसाब से आप बोल रहे हैं? बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म का कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टर की डिमांड क्या है, और मेरा जो हाथ होता है बहुत छोटा होता है, मोस्टली ये टीम वर्क होता है जिसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो राइटर है और जो मेन है वो डायरेक्टर और एक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्टर एक विजुलाइज करता है कि उसको अपना कैरेक्टर किस तरह से निकालना है स्टेज पर। रॉकस्टार होते हैं, रॉकस्टार सब एक जैसे नहीं होते, या डॉक्टर होते डॉक्टर सब एक जैसे नहीं होते, या कोई राइटर है तो राइटर सारे एक जैसे नहीं होते, या आप जर्नलिस्ट हो और मीडिया में हो सब एक जैसे नहीं है, सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो ऑडियंस को एक कोई नई चीज़ देखना बहुत पसंद आती है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो यूनिक कैसे है और जो कभी पर्दे पर दिखी नहीं है, तो वही चीज़ आपको फैसिनेट करती है जो यूनिक हो, जो फर्स्ट टाइम दिखी हो। क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में जो सिनेमा होता है, जो कैरेक्टर्स होता है, हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, बट उसमें नयापन कैसे लेके आए वो बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वही डेवलप करने में टाइम जाता है, जिसमें एक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो आपको पता नहीं होता है कि तीन तीन महीने से, चार चार महीने से वो कैरेक्टर को बिल्ड करने में इतनी मेहनत कर रहा है, बॉडी बना रहा है, डाइट चेंज कर रहा है, अपने लुक पे वर्कआउट कर रहा है, अपने कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहा है, और फिर जाके वो पर्दे पे निकाल के लेके आता है कैरेक्टर। तो देर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। समटाइम मूवीज डोंट वर्क तो एवरी वन फील्स वेरी सैड, बट जो एक्टर ने मेहनत की होती है बहुत ज़बरदस्त मेहनत की होती है। हमारा जो हाथ होता है वो छोटा होता है, ये पूरी टीम वर्क होती है, और सबसे बड़ा हाथ एक्टर का होता है, क्योंकि वो इस सब चीज़ से गुजरता है जब वो कंटेंट टीम में होता है, दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो कुछ भी चीज़ नया करना हो तो उसके लिए एक विजन चाहिए, और बहुत स्ट्रांग विजन चाहिए, और अंदर इनर पर्सनैलिटी में कन्विंसिंग पावर चाहिए कि मैं ये करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा और फाड़ दूँगा। तो मेरे ख्याल से वो इन लड़कों में है, इसलिए दे आर सच अ ह्यूज स्टार्स। So I think me and Arjun will ask Alim bhai some questions, थोड़े inside details आपको भी पता चलेंगे। Alim bhai, which director जो आपके पास आता है हर फिल्म के साथ, which director wants to change the look of his hero with every film? मतलब उसको वो कीड़ा है कि मुझे हर फिल्म में मतलब हीरो या हीरोइन डिफरेंट दिखाना है, ये बाल वाले से अलग करना है, which director? एक नाम लेना है। आपने अनेक director के साथ काम किया, नाम एक ही लेना पड़ेगा। चेंज क्या हो गया? मेरे ख्याल से सब डायरेक्टर हैं। आलम भाई एक नाम, वन नेम, डोंट बी डिप्लोमेटिक। इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, ओके। विच एक्टर विद एवरी फिल्म, बिकॉज यू ऑल्सो टोल्ड मी दिस, आपने भी मुझे पहले बोला है कि एक्टर्स यूजली जो अच्छा दिख रहा है वो ही लेके चलो, दैट लुक्स गुड, वो अच्छे दिख रहे हो आप, बट विच एक्टर कम्स टू हर फिल्म के साथ बोलता है नहीं आलम भाई अभी चेंज करो, अभी चेंज करो? आप दोनों बैठे हो इधर, आप लोग शक्ल चेंज करते रहते हो। नहीं नहीं, हमारी तारीफ आप अलग तरीके से करो ना, ऐसे हर फिल्म में ना। शाहिद, शाहिद कपूर, एक्चुअली हां, दैट्स ट्रू विद एवरी फिल्म। आई मीन उड़ता उसको सुपर, उड़ता पंजाब, शाहिद ग्रेट लुक, या उड़ता में दो लुक थे, और वो फुद्दू किया था साइड में, वो रियल में फुद्दू किया, कुछ डिजिटली नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं किया, और रियल में शेव किया, एंड इट वाज ऑल हिडन। वो 15-20 दिन मीडिया के सामने नहीं आया था, घर में बैठा था। तो करने में मुझे रिस्क है, क्योंकि आपने ब्लेड से कर रहे हो, आप एक बार रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जो सेकंड हाफ में किया था वो थोड़ा टफ था, और फर्स्ट हाफ में एक्सटेंशंस थे, तो वो ट्राई करता है। हैदर में बस किया था। हुज फैशन सेंस डू यू रियली एडमायर द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द एक्टर्स, बिकॉज आप सबके घर के अंदर तक पहुंच चुके हो, नॉट इन द रॉन्ग वे। आप यू नो, यू जेन्युइनली हैव द वीआईपी पास इनटू पीपल्स लाइव्स, बिकॉज आप उस समय पे भी आते हो जब लोग एक्टर से नहीं मिल पाते, आपको बाल काटने आना पड़ता है कभी, तो अभी बेड में काट देते हो बाल। पता नहीं वरुण ने करवाया होगा ऐसा, मुझे नहीं। फैशन इज समथिंग व्हाट यू, इट्स वेरी पर्सनल, यू नो, पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, द फुल 360 डिग्रीज की, यार ये बंदा जो है ना ये करेक्ट है, मतलब मुझे ये बहुत इंस्पिरेशनल एक्साइटिंग लगता है। हम दोनों को छोड़ के ऑब्वियसली संजय दत्त, करेक्ट, बिकॉज़ ही हैज हिज ओन स्टाइल, एंड यू नो, इफ यू सी स्टाइलिंग एपिसोड यू विल गेट टू सी the collection of boots he has, you know, he has spoken about each and every boots from where all he's bought it, you know. I think the first man to experiment with the beard also, no? Yeah, he has done a lot of experiments, Kate, Plan, Musafir. So he experiments a lot with the facial buzz. So it's very important what you do, you know. Best. Alim bhai, which actor has the best role hai? Varun, tera naam kisi bhi answer mein nahi liya jayega. Best role hai.
बालों का घोसला तो जो मेरे लेफ्ट में बैठा है मतलब ही कैन बी राजीव बख्शी अच्छा नो नो मेरे लेफ्ट तो ही कैन बी सो ही कैन बी अ हेड ओनर यस कितने बाल है अर्जुन अच्छा दोस्त ना मैंने इसकी तारीफ देखी ही नहीं जाती मैं दिखा रहा हूँ तारीफ ये देखो मेरी तारीफ कर दी आ गया ये देखो निकाल के इसके ऊपर डाल दे देखो टच छूना चाहता है कि बर्बाद कर दे कैसे भी तू है ये इतना सेक्सी क्या करूँ दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का लेकिन हूँ बड़ा सेक्सी टाइप सेक्सी so he can donate a lot of actors you know a lot of people are suffering yeah काफी लोगों को head donate कर सकते हैं यार अनिल कपूर का भतीजा हूँ कुछ तो होना चाहिए ना same so अगल से बगल से सब जगह से अब बगल बोलना जरूरी था तो बाल ही बाल है बगल के बाल रणवीर सिंह donate कर सकता है ये आप लोग पूछना अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अर्जुन बोल रहा था कि आप बगल के बाल भी डोनेट करना चाहोगे क्या राज है इसका वो लगाना कौन चाहेगा ये इंपॉर्टेंट बट नहीं टचवुड आपने आपने तारीफ के बालों फिर स्प्रे भी मारना पड़ेगा ना कॉफी भी मारना पड़ेगा टचवुड आपने तारीफ के बालों की थैंक यू सो मच आई एम वेरी वेरी फॉर्चूनेट एंड लकी दैट आई हैव डीसेंट हेयर एंड आई होप इट कंटिन्यू अमेजिंग है एंड इट्स क्वाइट वर्सेटाइल यू नो ही हैज ग्रेट होल्ड आल्सो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बालों के अंदर होल्ड फैक्टर का नेचुरली होल्ड होता है ऑडियंस को होल्ड करो ना करो बाल को तो होल्ड कर लो हेलो आलिम जी बॉम्बे से कि बाहर का अच्छा वहाँ पीछे मैडम इतनी दूर बैठी हैं आप माइक जब तक पहुंचा हम घर चले जाते हैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस इस इनिशिएटिव के लिए आपके लिए कौन से स्टार की फिल्म आपके लिए चैलेंजिंग रही खासकर उनके फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से आलम से आपसे हाँ जी आपके लिए कौन सी फिल्म का कैरेक्टर जो था किसी एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए मुझे लगता है कुछ ऐसे चैलेंजिंग होता है लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत चैलेंजिंग है मतलब आप क्रेडिट लेना चाह रहे हो हाँ ऐसे लेकिन प्रोफेशनल्स अगर आप हो तो आपके लिए कुछ चैलेंजिंग होना नहीं चाहिए आपको चीज़ आनी चाहिए करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये होता है कि कई बार चैलेंजिंग इसलिए बोल सकते हैं कि आप डिफ़िकल्ट होता है कि नो कंटिन्यूटी है और एक ही जब बालों की लेंथ होती है और दैट टाइम व्हेन यू डूइंग टू कैरेक्टर्स और टू पार्ट्स यू नो टू एराज सो वो टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स करनी पड़ती है जब एक्टर अपनी इतने सारे बिजी स्केड्यूल से एक टाइम निकालता है रात को मुझे अपने घर बुलाता है कि अभी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैं जाता हूँ इनके घर रात को प्रैक्टिस करता हूँ और फिर हम लोग मूवी में ट्राई करते हैं तो ऐसा होता है हमेशा तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्टर काफ़ी मेहनत करता है जो आप लोग को पता नहीं चलता है तो एक्टर जो ये फ्री टाइम होता है रात को अपने शूटिंग के बाद ये सब बहुत लुक ट्राई करते हैं जो पिक्चर करने नहीं वाले उसकी भी लुक ट्राई करते हैं लोग तो आलम जनरली कितना टाइम जाता है रिसर्च में जब आप कोई नई लुक दे रहे होते हैं किसी एक्टर को रिसर्च में टाइम जाता है मैं इनको अपनी जो मुझे पसंद है चीज़ें जो मुझे स्टाइल करना मैं इनको व्हाट्सएप करता हूँ ये लोग देखते हैं फिर लोग रिजेक्ट कर देते हैं फिर वापस भेजता हूँ फिर रिजेक्ट कर देते हैं फिर वापस भेजता हूँ फिर रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट करते 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 बाद में लोग हाँ बोल ही देते हैं एक छोटा सा इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ था आलिम भाई इज डन माय हेयर फॉर हाफ गर्लफ्रेंड आल्सो हाफ गर्लफ्रेंड के लिए पहले मोहित मैंने और आलिम भाई ने सोचा था कि बाल बढ़ाएंगे वी थॉट वील ट्राई लॉन्गर हेयर जैसे आलोक के है वैसे उससे थोड़े कम वी थॉट वील ट्राई लॉन्गर है पर धीरे धीरे जब हमने दो तीन बार एक्सपेरिमेंट किया टेस्ट किया वी ट्राइड टू सी हाउ इट लुक्स आफ्टर स्टाइलिंग कितना यंग लगता हूँ या कितना वो मेरे मच्योर लुक के लिए हेल्प करेगा सडनली मोहित ऑल्सो फेल्ट एंड आलिम भाई ऑल्सो अग्रीड इमीजिएटली सेइंग नहीं नहीं वी शुड कट द हेयर ऑफ बिकॉज द लॉन्ग हेयर इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द होल फिल्म नाउ इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू से नहीं यार वो लंबे बाल रखते हैं बिकॉज हमने इतनी मेहनत की उगाने में और टेस्ट करने में यू नो द स्टाइल इज वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर थॉट Right. But if it's not working for a director, he's open enough to say, no, I agree, you're 100% right. We'll figure a better look and we'll work something else out. So he's open enough to understanding what a director wants. That is very important. Personal life is different. Making a film is very, very different. And a director is allowed to, in that journey, in that process, discover what he likes. The actor is allowed to have an opinion. He never forces his opinion on us. He gives us options and he's very open to it. And that's I think, the reason why he's so successful. He's always open to suggestion and he's a team player. That's very, very important. He's not thinking about mere picture ke liye mere baal correct lagne chahiye. It's about right. film ke liye baal correct lagne chahiye. Ya look correct honi chahiye. Alam bhai check baad mein de do. Varun, maine aapke saath ek picture mein kaam kiya tha. Aapne mera scene delete kara diya. Aisa kyun kiya aapne? We've actually acted in a film also together, Alam bhai and me.
मैंने नहीं डिलीट किया था सर, किसी और ने किया था। आप इनसिक्योर हो गए थे मेरे परफॉर्मेंस देख के। पराग इधर ही है। मेरे पराग तुम सीन्स डिलीट कराते हो यार, मैं तुमसे बच के रहूंगा।